हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल टेक राजपूत में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चप्पर चिरी में स्थित फतेह बुर्ज जो हिस्टोरिक प्लेस है उसका एक ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को और मैं आपको इधर का सारा चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ की। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सेंटर यहाँ पे है और इधर काफी साफ सुथरा माहौल है बिल्कुल। और बिल्डिंग्स ये देखिए कुछ इस तरीके का। देखिए यहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से लाइटनिंग का व्यवस्था किया है। देखिए फिलिप्स का लाइट आप देख पा रहे हैं जो कि एक लैंप की तरह है। बाकी चलिए आगे जो अच्छी अच्छी चीजें होगी वो मैं जरूर आपको अच्छे से कैमरे में दिखाऊंगा। बाकी जो थोड़ा सी गर्मी है थोड़ी सी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको आना ही है, ये देखिए ये है बैठने के लिए इन्होंने बनाया है। ये मेटल का लग रहा है मुझे, तो मुझे मेटल का लग रहा है। बाकी चलिए देखते हैं। टोली जो है एक बस की टोली बिल्कुल पहुंच चुकी है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया पहले। बाकी अभी हम एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ देखने लायक। अभी तक तो फिलहाल हमें ज्यादा कुछ नहीं दिखाया, हम उबर पुल से आए हैं। पता नहीं जाते समय हमें उबर पुल मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा मोहाली से हटके है 5-6 किलोमीटर के आसपास। तो रास्ता थोड़ा सा, रोड भी थोड़ा सा टूटा फूटा सा था। तो इधर से लग रहा है फूड कोर्ट लग रहा है इधर है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये मतलब अबैंडन्ड है। नहीं, अबैंडन्ड है ये, सुनसान सा लग रहा है। मैं वैसे ही पता चल गया था मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलता। एनीवे इसमें मुझे लगता है कि चढ़ने के बाद कुछ दिखेगा मुझे, तो मैं इस पर चढ़ने जा रहा हूँ। रजनी से जो उसका दूसरा मार्ग अपनाया, तो मैं ऊंचाई का सहारा लूंगा। और ये एक तरीके से ऑडिटोरियम सा है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ से ये पूरा ऑडिटोरियम दिखता है। यहाँ पे कुछ कार्यक्रम किया जा सकता है। रजनीश भी मेरे पद कदम चिन्हों को फॉलो करते हुए इधर प्रवेश कर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ही ऑडी है। ये इसके अंदर हम एंटर करने वाले हैं, जो बड़ा सा बुर्ज था इसके अंदर हम एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पे काफी अच्छे से आप बैठ सकते हैं। इसके ऊपर चढ़ने का भी है वैसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई चढ़ता होगा ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पंजाबी में, प्रवेश निषिद्ध। पता नहीं कब का बना हुआ है ये, पुराना है। इधर चले, लेक भी है, लेक देख लेते हैं पहले। हमने एंट्री कहाँ से करी थी? तो ऐसे तो ज्यादा नहीं है डायमेंशन इसका, वो ज्यादा रेडियस ज्यादा नहीं है, जो भी है तो लेकिन थोड़े दूर में ही काफी अच्छा है। इधर लेक है, देखते हैं लेक कैसा है। और वहाँ पे वो मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, और इन्फॉर्मेशन दिया गया ऑन द ओकेजन ऑफ द 3rd century ऑफ द हिस्टोरिकल बैटल ऑफ छप्पर चिरी द कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 columned फतेह बुर्ज वॉज स्टार्टेड इन जनवरी 2011 एंड वॉज कम्प्लीटेड इन द रिकॉर्ड टाइम ऑफ 11 months। ओके, तो 11 महीने लगे इसको बनने में। इंडियाज हाईएस्ट दिस 328 feet हाई बुर्ज स्टैंड एज अ सिंबल ऑफ द हिस्टोरियल विक्ट्री ऑफ खालसा टू विन सरहिंद इन द बैटल फॉर्ड बाई ग्रेट जनरल बाबा बंदा सिंह बहादुर। इन दिस हिस्टोरिकल बैटल द खालसा एस्टैब्लिश द फर्स्ट खालसा रेन By taking revenge of martyrdom of Angar Sahib Jadas of 10th Guru Sri Guru Gobind Singh Ji and teaching a lesson to Wazir Khan, the Subedar of Sarhind. This Burj was 3 stories, the first 67 feet, second 117 and the third 220 feet height. Its top
is decorated with a dome and a khanda. The first story commemorates the victory of Samana. The second story is the victory of Sadhura. And the third story is for Sarhind, which was fought by at Chappar Chiri. The statue of Baba Banda Singh Bahadur ji and his five generals in this memorial complex, who while standing on the mounds were commanding the Khalsa army fighting the Mughal army of Wazir Khan, symbolize the war scene of that time. The view of Sahib Jada Singh Ajit Singh Nagar complex is worth seeing from these towers. Okay. So, पहले तो शायद अलाउड था, अभी भी शायद अलाउड हो, हमें पूछना पड़ेगा इसके ऊपर अंदर से जाने का, जाने देते हैं कि नहीं. और ये लेक को हम कैसे देख सकते हैं इस अच्छे से? राउंड राउंड देख सकते हैं. यहाँ से ऐसे हम जा सकते हैं क्या इसके ऊपर से? चले. यहाँ पे क्या लिखा हुआ? कुछ लिखा हुआ है क्या? हर चीज पंजाबी में लिखी हुई है. पहले लिखा हुआ होगा ना, अभी इन्होंने इसको ट्रांसलेट नहीं किया है ना. ये चीजें तो मुझे पहले की रखी हुई रनिश ना, कि अभी क्या रखा हुआ होगा? ये लेक में पानी कहाँ से आता होगा? ये पानी डालते हैं पाइप से, उधर से पानी आ रहा है. वीडियो सेशन कर लेंगे, पूरा वीडियो बना. हाँ, पांच पांच दिखा रखा है, पांच कमांडर, पांच कमांडर रखा है यहाँ पे. एक बंदा बहादुर मुझे लगता है बीच में होंगे. हाँ, और बाकी पांच कमांडर जो है वो भी कर रहे थे यहाँ पे. उसमें होगा, होंगे. हाँ, ये इसका दिखाया, इस वाले जो यहाँ पे ना देखो, फिर देखो, एक दो तीन, इसमें ना तीन टावर हैं. एक शायद 75 फीट का था, एक 110 फीट का था, ऐसे कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे कितने कितने फीट का है. तो तीन वार अलग अलग फाइट किए गए हैं, उनके जीतने के सिंबल में इसको बनाया गया है, समझे? तो तीन वार के फोर्ट किया गया और उसके हिसाब से बनाया गया. और इसको ऊपर चढ़ के साहिबजादा सिंह अजीत सिंह नगर देखने का मजा कुछ और है, ये ऐसा लिखा हुआ था उसके ऊपर. लेकिन हमें नहीं लगता हमें चढ़ने का मौका मिलेगा. भाई राम सिंह, अच्छा मुझे लगता है यहाँ पे जो पांचों जो कमांडर है उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है. तो भाई राम सिंह जी द ग्रेट वॉरियर ऑफ खालसा आर्मी वाज ब्रदर ऑफ भाई बाज सिंह जी एंड हैड अन प्रेसिडेंटेड कंट्रीब्यूशन इन द विक्ट्री ऑफ छप्पर चिरी बैटल. ही वाज द चीफ जनरल ऑफ द आर्मी ऑफ बारालंदा बहादुर. भाई राम सिंह ऑल्सो इंप्रेस्ड मैट्रिडम अलोंग विद बाबा बंदा सिंह बहादुर. तो इनके मतलब बाद में बनाया गया ये चीजें, पहले बना देगा उसके बाद लड़ाई करेगा. चलो ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे तो मतलब सबका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होगा उनके स्टार्टिंग में ना. वहाँ पे भी लिखा होगा, वहाँ देखो वहाँ पे भी लिखा हुआ है. एक दो तीन चार और पांचवा कहाँ है? उधर इसके नीचे क्या हुआ रेनिस? इसके नीचे तो शायद हम जा नहीं सकते. चलिए यहाँ से फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं. रूम बना हुआ है, अब हम ये जो दूसरे सैनिक हैं, दूसरे कमांडर हैं, हम इनकी ओर अग्रसर हो रहे हैं. अब यहाँ हम देखेंगे इनका नाम क्या है. यार पहले बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं यार. इनका डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा क्यों है? वो शायद जीत के और जीतने के बाद का खुशी है ये. एक्चुअली होता क्या ना, जिनके दो टांग खड़े होते हैं ना उनका टेस्ट वहीं पे बैटल भूमि पे ही हो जाता है. अच्छा, जिनका एक पैर खड़ा होता है ना उसका लड़ते हुए घायल हो गए थे और उसके बाद उनका डेथ हुआ है, इसका मतलब ये होता है. अच्छा, ये कहाँ पढ़ा तुमने? मैंने पढ़ा था भाई माली सिंह का. भाई माली सिंह का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पंजाबी में लिखा हुआ जो कि हम नहीं पढ़ेंगे. हम दूसरी और इंग्लिश में जो लिखा हुआ उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. और ये जो चीज़ इन्होंने बताई है काफ़ी अच्छी बताई है, जो मुझे अभी अभी पता चला है कि जिनके दो पैर ऊपर होते हैं उनका सिंबल कुछ और है, कि वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं वार जोन में ही, और बाकी जिनके एक पैर ऊपर है वो बाद में शहीद हुए हैं. तो मैं यहाँ आपको भाई माली सिंह जी के बारे में पढ़ाना चाहूँगा.
with Banda Bahadur ji after bearing many tortures. He also embraced martyrdom along with Baba Banda Singh Bahadur ji after bearing many tortures. मतलब इनको बाद में मतलब ये martyrdom को हुए हैं काफी torture के बाद में. ठीक है, next आगे बढ़ते हैं हम हमारे next commander की ओर. इनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे. इनके घोड़े का भी एक ही पैर ऊपर है, इसका मतलब इन्हें भी टॉर्चर सहना पड़ा था शायद. देख लेते हैं हम. ओके, सो भाई बाज सिंह जी रेसिडेंट ऑफ मीरपुर पट्टी मरहा वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सूबेदार बाई बाबा बंदा सिंह बहादुर जी आफ्टर द विक्ट्री ऑफ चप्पर चिरी and establishment of first Sikh rule. He also led many war campaign against the Mughal. He showed a tremendous proof of his bravery when he gave a severe beating to Mughal officer even when he was tied up in chains. Bhai Baj Singh ji also embraced martyrdom along with Banda Bahadur Singh ji in June 1716 mein inko martyrdom mil gaya. Next, यार मुगलों ने बहुत परेशान किया यार. धर्म परिवर्तन करा रहा था, भाई अली सिंह रेजिडेंट ऑफ विलेज सलौदी वाज द फौजी फौजदार ऑफ वजीर खान सूबेदार ऑफ सरहिंद. व्हेन बाबा सिंह बहादुर जी रीच्ड पंजाब ही लेफ्ट हिज फौजदार ऑफ सरहिंद स्टेट एंड जॉइंड द आर्मी ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी अलोंग विद हिज फ्रेंड आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट खालसा रूल. ही वाज अपॉइंटेड ए वाइस सूबेदार अलोंग विद भाई बाज सिंह जी ऑल्सो एम्ब्रेस्ड मार्टिरडम अलोंग विद बाबा बंदा सिंह बहादुर जून 9 जनवरी 1716. ऊपर चढ़ना अलाउड होगा? भाई फतेह सिंह. A huge group of Sikhs from Malwa under the leadership of Bhai Fateh Singh was the first to join Baba Banda Singh Bahadur after the victory of Samana. Bhai Fateh Singh was appointed as the subedar of this place. He played a decisive role in the Battle of Chappar Chiri. He also embraced martyrdom along with Baba Banda Singh Bahadur. No Jirun is the Chak Fateh Singh Nagar at Bhatinda has messed up your average name. Achha, Bhatinda mein bhi inke naam pe kuch bana hua hai na. डिसेसिव रोल मतलब काफी है. तो जो भी हमारे दर्शक जो जिनको पंजाबी लिख पढ़ने आता है वो प्लीज यहाँ से पढ़ ले, तो मैं आपको इसका जो है अच्छे से दिखा देना चाहता हूँ क्योंकि ये इंग्लिश वाला बोर्ड इनका है जो यहाँ पे हटा हुआ है, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे पाऊंगा आपको इनके बारे में. मैं थोड़ा सा जूम करके गूगल ट्रांसलेटर पर भी हम ट्रांसलेट तो नहीं कर पाएंगे. तो ये था पूरा का पूरा विवरण. अब हम खुद भी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ऑल.